हाँ क्यों भारती का फोन नहीं उठा रहा था उधर एक रिकॉर्ड बनाया था तीन किलो घी का और अभी कहां यार वो आए इधर तो बता देना घी छुपा लेंगे अंकित <laughs> भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आ, आपको क्या सवाल पूछूं बट आज जो सच है मैं वही बोलूँगी आज मैं जब फटाफट तैयार हो रही थी पॉडकास्ट के लिए तो मेरी नीज आई थी वो पंद्रह साल की है और स्कूल में पढ़ती है अभी इलेवेंथ ट्वेल्थ में कहाँ जा रहे हो मैंने बोला कि वो लड़का जो जिम करता है ना सेवेंटी फाइव हार्ट वो वाला आया है अंकित मैंने बोला हाँ हो हा? मेरे स्कूल में पता चल गया ना तो लड़के पागल हो जाएंगे मैंने बोला अंकित को जानते वो बहुत फेमस है सच में आप बहुत फेमस हो कैसा लगता है अंकित ਬੜੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਬਾਕੀ ਮਤਲਬ ਮਨਤ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਅਗਰ ਤਾਂ ਕਿ ਭਈ ਇਤਨਾ ਫੇਮਸ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫੋਲੋਅਰ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਇਤਨਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਸਕ ਭਈ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਾਣਨ ਲੱਗੇ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਲੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪੁੱਛੂਂ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਲਕ ਮਿਲਲੇ ਹੈ ਵਿਚ ਮੇਨ ਰਾਮ ਹੈ ਗੁੰਮਦੇ ਫਿਰਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਅਕਮ ਕਾ ਕੇ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਬਤਾਈਏ ਬੋਲਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਰੋਲਾ 75 ਆਹ ਕਾ ਬਾਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੁਨਾਮ ਤਾਂ ਜਿਆਦਾ ਜਾਣੇ ਹੈ देखो, five क्योंकि फेमस तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन जो आपकी इज्जत है ना लोग आपकी इज्जत बहुत करते हैं हम जानना चाहते हैं कि आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई ये फिटनेस की इंडस्ट्री या फिटनेस के लाइन में आप आए कैसे फिटनेस की लाइन में पल है जो करे पहले मैं तो ठीक ठाक पढ़ाया करता फिर पापा ने रेसलिंग पसंद थी कुश्ती वगैरह जो पंजाब में भी आपने पता हुआ ਤੇ ਪਾਪਾ ਨਾ ਪਸੰਦੀ ਪਾਪਾ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਪਾਪਾ ਦੰਗਲੋਗ ਰਮਲੀ ਜਾਰ ਤੇ ਘੁਮਾਣ ਕ ਭਾਈ ਦੇਖ ਤੂੰ ਮन्ने ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਪਾ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਈ ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਮਨੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਪੜ ਡੈਰਦਾ ਫਿਰ ਪੜਾਈ ਕਮ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਰੈਸਲਿੰਗ ਕੀ ਤਰਫ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਢਦੀ ਵੱਢਦੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਹਰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕੰਮ ਦੰਦਾ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿਉਂ ਇਸਕੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸਮੇ ਕੈਰੀ ਕਰੇ ਗਿਆ ਮਨਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਮ ایਬੀਓ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪ

अलग अलग काम करे हैं पहला जो कर चावल की फैक्ट्री में काम करे था तो कट्टे उठाने का था एक हलवाई था पड़ोस में उसके साथ में जाया करते हैं मतलब वो ब्याह शादिया में काम करवाना उसका का जो कर फ्रूट चाट उसके नीचे बैठ कर अपना फ्रूट काटे गए फिर एक जोमेटो राइडर का भी काम करे मैंने बारह बारह घंटे का कर। राइड करके भी मैंने दो टाइम वर्कआउट करे है अपना बहुत सारे काम करे थे लास्ट में मतलब मैं ट्रेनिंग दिया करता पर्सनली तो ये जो पहलवानी आपको करनी थी तो वो आपके स्टेट लेवल पे नेशनल लेवल पे खेलना चाहते हैं या एक शौक के तौर पे बॉडी बिल्डिंग के तौर पे आपने की थी ना मैंने वो इंडिया रिप्रेजेंट करने रिप्रजेंट करी थी मतलब वाँ मेरा वाँ सपना था पर वो ये फिर हालात कुछ ही से हो गए सब कुछ पता लग गया उन चीज ज्यादा है पर प्रैक्टिस मैंने जब बिना छुट्टी थी फिर उसके बाद इंजरी च्च्च हो, हो गई मेरे शोल्डर का रोटेटर कफ टीयर हो गया था मेरे नी में लाग गई थी बैक में लाग गई थी मतलब दो तीन मेरा मेजर इंजरी हो गई थी उस बीच में तो प्रैक्टिस तो करूँ था मैं मतलब एक इंजरी तो भर गया फिट हूँ था दोबारा फिर उसमें दोबारा इंजरी हो जाती

अब भी आधे इंडिया को नहीं पता जैसे भारती को पता ही नहीं था कि 75 हार्ड क्या होता है तो 75 हार्ड का जो थॉट आया आपके अंदर वो वो कहाँ से आया पिछले साल मतलब मेरे दंगल में चोट लगी थी शोल्डर में तो उसमें दो-तीन महीने का मेरा बेड रेस्ट था तो उसमें मेरा वेट बढ़ गया था मेरा 87 88 किलो रहा करता था तो बढ़ के उसमें 95 केजी हो गया था तो जो ज्यादा मोटा हो गया था तो फिर मतलब थोड़ा सा पढ़ने का शौक सा था मैंने फिटनेस के बारे में पढ़ लिया करता इंटरनेट स्क्रोल करते करते आ गया था अग भै ऐसा ऐसा चैलेंज है बहुत जल्दी आपने ट्रांसफॉर्म कर सके इन चीज़ों में तो थोड़ा सा मैंने ट्रायल बेस पर करके कर देखा वो डेढ़ एक महीना उसके करने के बाद मतलब मैं ठीक ठाक फिट हो गया था फिर उसके बाद मैंने सोचा कि भाई अगर मन ने इतने रिजल्ट मिलने लग रहे हैं तो मैंने दूसरे तक बताना चाहिए मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आज छोटे बैठे इस चीज़ ने ले गए तो फिर वो वीडियो पोस्ट करनी शुरू कर दी और फिर वो सब लोग गाना पसंद आई

इट विल टेक टाइम उसके लिए बहुत टाइम लग सकता है लेकिन आपकी बॉडी नेचुरली हेल्दी बनेगी तो कुछ फिटनेस करके एक यूट्यूब में एक चैनल है

माँ पापा दो, दो बड़ी बहन है उनकी शादी हो गई है बस तो आप भाई अकेले हो हुए एक भाई है वो भी भी सवा लाख जैसे आपने फाइनेंशियली घर में प्रॉब्लम आप अपनी दवाई के लिए खुद काम करते थे लेकिन आप जो ये हार्ड कर रहे हैं इसके लिए भाई मैंने देखा भर भर के ड्राई फ्रूट्स ये वो बहुत सारी चीजें लगती है तो वो सब आप खुद करते हो मतलब ये तो बहुत टाइम तो मैं खुद देख रख रहा हूँ कल अजुगर दंगल हो जा रहा है जो मिट्टी के दोनों में पीछे मिल जा रहे थे

वो के लिए कोई कुश्ती करता ही नहीं 3100 या या है पे. And I think वो, जो है, आ, वो पैशन की बात है तो सोचते भी नहीं होंगे कितने की है वो मिल गया ठीक है ठीक है उफ, मेरे को कुछ हो गया आपके गाँव का क्या रिएक्शन है आपके स्टार्ट पे गाँव का मतलब सादे बोले लोग जो जवान बाढ़ है उनको तो पता है जो बड़ी एज के मतलब ये घर पर बहुत सारे लोग मिलना है कि कितना कर का है तो वो बोलते हैं कि वो क्या क्या करता उनके लिए तो बस वीडियो बनाता हूँ बस और कुछ है नहीं है <laughs> गाँव में ऐसा ही होता है उनको लगता है कौन है वो जो वीडियो बनाता रहता है कुछ नहीं वीडियो बना भागता रहता रहता है वो करता है उनको लगता है कि कहीं काम पे जाएगा तो हाँ काम करता है और वीडियो बनाता है वीडियो बनाता रहता तो है बहुत भोले लोग होते हैं गांव के तो।, तो उनके नजरिए तो ये काम ना है आ, उनके नजरिया तो ये क्या काम हो गया हाँ पर मैं आपको बता दूं जितने भी गांव में हमारे बुजुर्ग हैं यही आजकल काम बन रहा है इससे लोग बहुत बहुत पैसे कमा रहे हैं क्योंकि ये ना एक बहुत साफ सुथरा और सच्चा काम है exactly. जो आप हो वो वही दिखता है इसमें कोई एडिट कोई टीवी वाला कुछ ऐसा नहीं है और आपको देख के तो भाई मतलब वो एक और चीज़ है हर्ष वो जो आप जिसमें कूटते हो बदाम ये वो वो हर्ष ने हरियाणा से ही मंगाया है एग्जैक्टली exactly. मैं जब भी प्रोटीन शेक पीता था मुझे ना ब्लोटिंग हो जाती थी फिर मुझे जब पता चला कि ये प्रोटीन शेक का एक बहुत कमाल का सब्सटीट्यूट है बादाम रगड़ा तो उसके बारे में मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप डिटेल में बताएं कि बादाम रगड़ा क्या होता है बादाम रगड़ा मतलब प्रोटीन सोर्स ना वो एक कम्पलीट एक फूड सोर्स है उसमें हर चीज मिल जाएगी आप जो आपकी क्या कर गुड फैट हो गए प्रोटीन हो गया बहुत सारी चीज़ मिल जाए आपते और वैसे तो बादाम की तासीर गर्म हो जाए पर उसमें जो छः चीज मिल जाएगा कर और कुछ ज़्यादा ही मिला दे पर मन ने छा बेरा अच्छा इलायची मगज खसखस काली मिर्च सौंप और गुलाब की पुंगड़ी ये छह चीज़ मिलकर उसने ठंडा बना दे उसकी तासीर ने और उस पियो के मतलब बॉडी में वो हीट ने कंट्रोल करा क्योंकि जब आप वर्कआउट करोगे तो आपका टेस्टोसोर लेवल भी अप जाओगा और बॉडी में हीट ज़्यादा जनेट होगी हो तो उस चीज़ ने वो कंट्रोल करेगा और रिकवरी उसकी बहुत बढ़िया है

नीम का सोटा हाँ। वो उसमें भी उसकी प्रॉपर्टीज आती होगी हाँ। नीम की प्रॉपर्टी मैंने ये पिछले चार पांच दिन से मैंने शुरू किया है बाद तो कि कैसे, कैसे तो एक दो दिन तो अच्छा नहीं बना लेकिन अभी अच्छा बनने लग गया है और ये भी है कि बहुत अच्छा एनर्जी रहती है पूरे दिन में लड़कियां भी पी सकती है तो फिर वर्कआउट उतना ही करना पड़ेगा कि नहीं मैं ना करूँ वर्कआउट तो करना पड़ेगा भारतीय तो हम बच्चे को भी दो तीन चम्मच मिला देते हैं अच्छा उसके लिए बढ़िया है हर पहलवान सपाटे मारता है सपाटे क्यों मारते हैं और सपाटे की खास बात क्या है सपाटा मतलब एक फुल बॉडी वर्कआउट है और इसने आप चैतार लगा हुए हैं या फिर जो पहलवान जोर कर पहला रेसलिंग की जो प्रैक्टिस हो रहा है पूरी प्रैक्टिस होने के बाद अपना स्टेमिनार इंडोरेंस बढ़ाने दिख रहा है उसकी मसल कितना लंबा वर्क कर सका है उस चीज़ ने ले गया सपाटा कोई मसल बिल्डिंग प्रोसेस नहीं है कि भाई आपने हाइपरट्रॉफी देगा वो आपकी मसल बिल्ड करेगा वो एक स्टेमिना इंडोरेंस का वर्कआउट है जो पहलवान ना होया अगर क्योंकि कुश्ती में बहुत लंबा चलना पड़े अगर रुकना नहीं होता तो वो उस चीज़ ने बिल्ड करना थी अगर मेन तय और आप कितने सपाटे मार लेते हैं मार देंगे पाँच सौ छः सौ पाँच सौ कहीं ना कहीं सपाटे एक बर्फीज का एक स्टाइल है है राइट ना थोड़ा वेस्टर्न हो जाए यू इंडियन हो जाए है ना तो अगर जो जो सपाटे समझ नहीं पा रहे बर्फीज में आप पुष ऐड कर अच्छा, बर्फीज में ये भी मेरी तरह मैं भी हम तो बर्फी कहते हैं <laughs> बर्फीज बर्फीज कभी नाम ना? याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हाँ लेकिन जो बर्पीज होती है उसमें आप पुशअप ऐड कर दोगे वो सपाटे होते हैं वो मैंने देखा है कोई चैलेंज लगाते हैं हजार सपाटे पांच हजार सपाटे में चल रहे घी ना, 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 तो खानी है घी हाँ घी खाते नहीं पी भी जाए अगर घीते है घी पी जाते होती कुछ ना होता प्रैक्टिस तो पहला प्रैक्टिस से पहले घी पी जाना कितना? एक ना। बना था, तीन किलो घी पी का घुमलनाक रहता आराम से तीन किलो घी महीने में नहीं खाते <laughs> पी गया वो सीधा लगा गिलास बर बर के गिलास अभी कहाता घूमता होगा अरे यार क्या बात यार है? वो आए इधर तो बता देना घी छुपा लेंगे हम <laughs> तीन किलो घी पी गया चाचा यार और अभी मतलब मजे से घूम रहा है वो तो चैलेंज कर रहा सब तक कोई भी को मैं साढ़े चार पी के दिखा दूंगा नहीं हमारे इधर कोई पीले है बॉम्बे में पूछोगे ना कहा है वो तो आईसीयू में है ना अरे दो चम्मच घी <laughs> पीने के बाद एसिडिटी हो जाती है यहाँ पे यार अगर आपको वो चाचा मिले तो मेरा उनको राम राम कहिएगा यार वेज फूड वर्सेज नॉन वेज फूड वेज देखो हमने अपने इंडिया के मौसम के हिसाब से खाना चाहिए क्योंकि जित जिसा मौसम होडा फूड की क्वालिटी भी उसी होगी हो ये भी नॉन वेज का जो कल्चर है वो वेस्टर्न तारा है क्योंकि उधर ज्यादा पेड़ पौधे नहीं होते सारा बर्फ का इलाका होता है उन दो ऑप्शन है नहीं मार दो ऑप्शन बहुत ज्यादा है तो इस चीज़ ने लोग समझ नहीं रहे इतनी अच्छी बात है कि भाई मार दो कितना ऑप्शन है मार कितने अलग अलग प्रकार की बहुत सारी डिश है मार दौरे कितने मसाले कितनी अच्छी अच्छी डिश है

अगर करना हो वेट लूज घर के तरीके से जो आप करते हो तो क्या करें सब तो पहला तो बाहर का सब कुछ बंद है और जो आप मतलब अनहेल्दी फूड खाना रहे हो हेल्दी फूड अगर रिप्लेस कर दो और अगर एक्सरसाइज में ना कर पा रहे ठीक है ज़्यादा वेट है तो वॉक स्टार्ट कर दो वोक तो फिर क्योंकि मेन जो वेट लूज में जो रोल प्ले हुआ है वो डाइट का हुआ बस मेन वर्कआउट तो उसके ऊपर ऐड ऑन हो रहा है क्योंकि वर्कआउट आपने मसल ने स्ट्रेंथ देन थी हुआ है ना कि वेट करने करनी राइट right. आप डाइट ने थोड़ी सी डाउन करोगे क्योंकि मीठा बहुत ज़्यादा कंज्यूम करें इंडिया में शुगर शुगर ने कट कर दो थो थोड़ा सा उसकी जगह थोड़े सलाद सलाद ऐड कर लो और रोटी जित चार खाऊड़ा दो कर लो उसकी जगह सलाद होगी मतलब उन चीज़ों ने ऑप्शन आप ऐड कर सको गलत ऑप्शन रिप्लेस करके थोड़ा सा पानी बढ़ा लो और वो तो भी हो जाएगा कोई दिक्कत ना इसमें ज्यादा वो ना भैया जिम करनी है ये पिल्स पिल्स वो कोई ज्यादा जरूरी है घर बैठा लड़का लड़की आदमी औरत उससे अगर वेट लूज करना है तो वो कौन सी पाँच एक्सरसाइज कर सकता है एक्सरसाइज पहली तो रनिंग होगी रनिंग जंपिंग जैक होगी जंपिंग जैक एक स्टेयर होगी और हाई नीत जुगर होगा मतलब बेसिक तो ये है और फिर क्या प्रोग्रेशन करोगे तो फिर थोड़ा बहुत पुशअप वगैरह भी ऐड कर लो स्कीपिंग रोप होगी क्योंकि बेसिक पे जा सके स्टार्टिंग करेगा तो वो उसके बाद लूज हो पीछे तो फिर कुछ भी कर सके right. तो, तो जिम भी ज्वाइन कर सके राम तो वेट तो ट्रेनिंग तो भी कर सके करेक्ट स्टार्टिंग इन चीज़ ज़्यादा करनी पड़ेगी भाग नहीं दौड़ नहीं सकते तो पहला वॉक करो फिर दौड़ो दौड़ तो स्प्रिंट फिर जंपिंग जैक हाई नी स्कीपिंग रोप इन सब चीज़ें आते जाओ आप प्रोग्रेशन करते रहो अब वार्म अप कितना मिनट करते हैं वार्म अप मतलब

सब्जी आप सब्जी ज्यादा नहीं खाते क्या साथ में मैंने वो कम देखी इसलिए मतलब उधर ये अगर सब्जी का कोई ज्यादा ना अगर आपने दूध दूध खाली रोटी दही दे तो दही गला खाली घी है खाली घी गला भी खा ली नहीं तो थोड़ा सा कल्चर ही ऐसा है हरियाणा में ना कोई सब्जी तो मतलब ना चटनी मिलगी चटनी गला खाली ली मिर्च मिलगी मिर्च गला खाली ली प्याज मिलगी प्याज गला खाली हमें सब्जी लगेगी

नहीं बट सिर्फ घंटे तो आपको फिजिकली आप बिकॉज आप दो बार वर्कआउट भी करते हो वो सब है ना माइंड का हुआ अगर मेन खेल है माइंड सेट का अगर माइंड सेट बढ़िया आता है ये चीज मैटर ना करती है हाँ यार मतलब मैं चाहूँ इस ते सेवेंटी फाइव आठ अपनी पोटेंशियल निकालना चाहूँ तक मतलब मैं कितना बॉडी ने पुश कर सकूँ अपने लाइफ स्टाइल कितना पुश कर सकूँ तो उस मारे थोड़ा सा हर चीज़ मैंने मिनिमाइज कर दी और आपने सेवेंटी फाइव के बाद रुके नहीं आप वन फिफ्टी हार्ड कर रहे हैं हाँ क्यों रुक जाते कुछ खा-पी लेते no. हाँ, हाँ. मैं अभी, मैं अभी no. हमको जिम जाना होता है और अगर किसी को आइडियल बॉडी बनानी है महीने के चार पांच लाख रूपया तीन लाख रूपया दो लाख रूपया महीने का खर्चा होता है हम जानना चाहते हैं कि आपकी बॉडी भी एक हीरो से कम नहीं है आपका महीने का खर्चा कितना है पांच हजार बिना होगा मैंने एक मीम देखा था जहाँ पे ऋतिक रोशन का ट्रेनर बीस लाख रुपया लेता है एक महीने का वो मैंने मीम सच झूठ पता नहीं आप खुद वेरीफाई करिएगा लेकिन अप्रोक्सीमेटली इंटरनेशनल ट्रेनर जो बाहर से आते हैं उनका रहना खाना आपको सब कुछ आपको बेर करना होता है तो पंद्रह बीस लाख रुपया तो वैसे ही हो जाएगा और आप पाँच हजार रुपया खर्चा करते हैं सिर्फ उनका है हर चीज नाप आप तुल गो और वो मतलब उस बॉडी ने कैरी थोड़ी कर पावे हैं बारह मंथ है वो तो कोई मूवी आ गई थे तैयार कर ली फिर उसके बाद अपने नॉर्मल आ जाएंगे दोबारे हमारा जो है हम स्टार्टिंग थे, में चाल रही है हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क मतलब इस दूसरे पर रखे कर डाइट रेस्ट ने थे पहले पर मेहनत है कि भाई हम ज्यादा करेंगे क्योंकि देखो मैं आपने एग्जाम्पल दूंगा अभी मजदूर होगा जो वो मजदूरी कर रहे हैं ना तो कोई फैंसी डाइट खाता और अंदर खिता में काम करे जो किसान उनकी बॉडी बहुत अच्छी अच्छी मिल जाएगी सिक्स पैक वगैरह वो, वो तो सब का मिल जाएंगे वो कोई ना कोई डाइट ना उनका कोई वर्कआउट शेड्यूल ना कोई नींद का शेड्यूल तो मेरे हिसाब से अगर आप मेहनत करोगे तो कुछ भी हो सके पर कंसिस्टेंस होनी चाहिए सबसे ज्यादा तो है खाने का टाइम आप रखते हैं कि भाई ग्यारह बजे मतलब मैं ग्यारह बजे खाना खा लूंगा ऐसा बॉडी क्लॉक रखा है कुछ ना कोई वो नहीं है कोई बॉडी क्लॉक नहीं बस हाँ ये दो टाइम खाना है बस दो ही टाइम खाना खाते हो हर रोटी में दो, दो टाइम ही खाया करूंगा बस तीसरे टाइम क्या फल फ्रूट ड्राई फ्रूट यार इनके घर आ जाएंगे तो, तो <laughs> हम तो भूखे मर जाएंगे <laughs> नहीं पर उन्होंने कहा कि मम्मी आलू वाले पराठे बना लेती है हां बढ़िया अच्छा तो आपकी एज कितनी है अंकित मेरी 25 पच्चीस साल की यानी कि ये लड़का मुझसे दस साल छोटा है ये सुना तो नहीं किसी दस हाय यार अंकित बड़े छोटे हो हम सब ना क्यों आपके पीछे पड़े हुए पता है हम सब आपको वेलकम करना चाहते हैं कैसा लगता है जब आपको लोग फॉलो करते हैं जो करे फिटनेस इंडस्ट्री में है न, ये थोड़ा सा वे, वे वेस्टर्न कल्चर ना ज्यादा प्रमोट करना लग रहे थे भाई छह मील खाओ ना आप नाप तोल का खाओ इतना प्रोटीन होना चाहिए इसमें इतना फैट होना चाहिए इतनी कार्ब होनी चाहिए मतलब वो जो नजरिया है वो बॉडी बिल्डिंग के हिसाब तो ओके है अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है तो वो पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा आपने

अच्छा मतलब अगर आपको कोई फोर्स ना करे तो आप नहीं करोगे शादी हाँ कोई जरूरी ना है अगर मम्मी डैडी कहे चल आप अपनी जी अपनी जिंदगी जो करना कर ना कर शादी तेरी मर्जी तो नहीं करोगे अरे केस में गंगा किनारे एक झोपड़ी गाल लूंगा <laughs> हम हाँ उधर भी आ जाएंगे माइक लेके <laughs> कोई ना फिर तो साहब दोजमा फिर तो परोचने देने है क्या <laughs> <laughs> बात है लेकिन अंकित शादी जरूर करना यार मतलब शादी बड़ी अच्छी चीज है शादी बच्चे आपको एक नई दुनिया दिखती है अंकित, सीरियसली। तो, हमने जो गलतियां की है, वो मत करना <laughs> <laughs> आपको मुंबई कैसा लगा मुंबई बढ़िया है लोगों से बात की मुंबई के लोगों से इंटरेक्ट किया हाँ थोड़े बहुत मिल जाओ देखते रोड पे इधर उधर घूमना थे जब

घर का नहीं मिलता अच्छा बुरे की बात नहीं है खाना तो खाना होता है लेकिन घर वाला खाना आपको नहीं मिल पाता लेकिन आज घर का खाना खा के कैसा लगा बताओ बहुत बढ़िया आ गया दीदी ने खाना भेजा <laughs> सब ने खाया मतलब एक ही दो दो रोटी खाया करते पच 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 खा रहे नहीं नहीं वो जो दीदी थी ना बना रही थी रोटी उसने छोटी चोट छोटी बनाई और मैंने बोला नहीं नहीं हरियाणा से पहलवान लोग करती अच्छा उसने फिर बेलन ऐसे से <laughs> कर दिया फिर बड़ी बड़ी रोटी मैंने कहा लड़के खाते हैं ना बड़ी बड़ी रोटी फिर हमने वो बनाई और जो उसके ऊपर मैंने घी लगाया था ना वो एकदम आंखों देखा घर का बनाया घी है मैंने बोला पहले भोग लगाएंगे फिर देखेंगे हम लोग पर सच्ची खाना अच्छा लगा बहुत बढ़िया था खाना बट एक प्रॉमिस करो कि जब भी बॉम्बे आओगे बिना किसी झिझक के चाहे हम आज काम कर रहे हैं कल नहीं है करें या ना करें

क्योंकि इसका एक वर्कआउट है जो वॉकिंग में भी काउंट हो जाए अगर आप वॉक कर रहे हो पैंतालीस मिनट तो वो काउंट हो जाएगा एक वर्कआउट आपका एक वर्क एक टाइम सब कर सके यार वर्कआउट तो वर्कआउट कोई वो नहीं है मेन इसका होगा अपने एक पानी में होगा और दूसरा एक बुक रीडिंग बहुत ज्यादा आवा है इशू बुक जो कर उसमें मैंने भगवद्गीता चूज करी थी इस चीज़ थी क्योंकि अगर आप भगवदगीता पढ़ोगे तो मेंटली बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाओगे अगर मेंटली स्टेबल हो गए तो ये तो बहुत ईजी हो जाएगा सेवेंटी फाइव आते हैं Hmm. क्या बात है यार आप रोज hmm. एक पेज पढ़ते हो ना दस पेज दस, दस पेज, पेज। हाँ मैंने देखा था आप उसका मतलब भी बताते हो बहुत अच्छी बात है यार दिन भर इतना बिजी रहो और रात को फिर ये पढ़ना है और उसका मतलब भी समझना है आप वो सेवेंटी फाइव हार्ड पूरा करने के बाद वन फिफ्टी हार्ड कर रहे हो जब दो दिन रह गए थे, थे बहुत सारे मैसेज आने लगे थे कि भाई अब क्या देखेंगे मगर ठीक है लोग चाहो तो कर लेंगे हम और आगे भी कर लेंगे इसने क्या बात है तो आपके जो फ्रेंड सर्कल में आपके दोस्त हैं उनमें से कोई दोस्त है जो आपको प्रॉपर फॉलो करता है और आपके साथ करता है वर्कआउट ये वो

तो भी सारे ऐसे हैं थोड़े <laughs> तो खा के <laughs> पराठे बेचने के चक्कर में थी पर आपने कहा ना नहीं सूखी रोटी लड्डू जिन्होंने खा लिए तो फिर बताओ फिर रात को फिर क्या सोच रहे दाल मखनी कर दो <laughs> सुन लिया मैंने मन की बात दाल मखनी कर दो ये घर का खाना है जितना मर्जी खाओ पच जाएगा दिखा दो भाई भैया क्या हुए? है आपसे? है एब्स है के वाले वो तो है ओ भाई साहब सच में इसने इकट्ठे करके रखे थे जैसे खड़ा हुआ करता हाँ भाई था ना ऐसी जैसे ऐसे इकट्ठे करके रखे थे उन्होंने कहा चलो भाई <laughs> सिक्स पैक ऐसे हो गए फूल खिला दिया क्या बात है यार वैसे हरियाणा के लड़के ये बात तो है फिट बहुत होते हैं और बहुत अच्छा लगता है कि जब हरियाणा पंजाब के लड़कों की बात होती है और बोलते हैं कि ना कि बॉडी अच्छे तरीके से बनाते क्योंकि हम लोग एक तो बेचारे हमारे पास पैसे बड़े कम होते हैं आधी तो मम्मी डैडी काम करवा करवा कर डोले कर कर बनवा देते हैं हमारे बाल्टी कपड़ों की छोड़ कर आ ऊपर ये वो अच्छा घर में किससे डर लगता है उनकी मम्मी से कि डैडी से डर तो ना लगता है सर हमें बस उनकी हर चीज़ डरिएगा हाँ। कोई ऐसा कहता नहीं कि तेरा सुना था कि वो लड़की कह रही थी ऐसा कुछ मतलब लड़की सामने जाकर कह देखो जो भी विश्वास ना कर रहे करा क्योंकि मेरा अच्छा शादी ब्याह में अटेंड करते हो लोगों की जाके नाचते हाँ, नाचते हो पूरा हाँ, खूब मेरे को तो बढ़िया बढ़िया आप वो लगे के, मतलब हाँ, कहते ना शर्माकल से से डीजे डीजे चढ़ और कोई मजा किसी का बाप नहीं रोक सकता कि से नीचे उतर बहुत भाई सपाटे बनते होंगे ठीक है हमारा भी शादी तो हो गई हमारी कोई फंक्शन होगा तो फिर डीजे पे फिर डांस होना चाहिए ना है और सारे है। ये आने चाहिए पर एक हाँ। 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 है कि जब आप अगली बारी आओ तो हमारे बच्चे के लिए घी लेके आना है ना बता दियो आप कोई दिक्कत हाँ। हाँ। हाँ, क्योंकि मुझे पता बाकी दुनिया नकली लेके आए ये बंदा असली लेके आएगा ले गए बिल्कुल प्योर हाँ यार

सारे हो गए। हो सिक्स पैक फिर खुश गए ऐसे <laughs> अंकित अब क्या करना है लाइफ में आपने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है क्या सपना है मैं तो मतलब चाहूँ मैं थोड़ा सा लोगों ने स्पिरिचुअल क्योंकि बहुत ज्यादा लोग मेंटली हेल्थ है, है मतलब अपने दिमागी तौर पर ज्यादा डिस्टर्ब है मुंबई में भी आपने देखा बहुत ज्यादा तेज चल रहा है सब अपने मतलब मेंटल हेल्थ पर कोई काम कर रहा है राज्य नहीं है तो जो मेरे साथ थोड़ा बहुत भी स्पिरिचुअल हुआ है तो उसका मेंटल स्टेट बहुत बढ़िया हुआ है तो उस चीज़ ने देख के मेरा तो यही इमोटिव है कि भाई सब लोग पटाए बढ़िया रड़ा अपने मेंटली हेल्दी रहो रहें मेन तो मेंटली आप हेल्दी होते है फिजिकली आप आराम तो हो जाओगे हेल्दी yes. और घना मतलब किसी चीज़ के पीछे भाग गए ना थोड़ा सा आराम तो क्योंकि इन दी एंड लाइफ में शांति चाहिए कितना भी आप कमा लो कितना भी कुछ कर लो पर अगर शांति ना आता है पीछा कोई काम का कोने पच्चीस साल के एक लड़के से इतनी इंटेलेक्चुअल बात इट्स अमेजिंग लेकिन आप में ये जो ठहराव है ये फैमिली से आया क्या आपके पापा बहुत संतुष्ट आदमी है हाँ पापा ने मतलब कदे ये बात सोची चाहिए वो चाहिए नू है भाई दो रोटी खा रहे हैं सूखी खा रहे हैं ना किसी का हक मार रहे हैं ना किसी का बुरा कर रहे हैं बस वो उनकी सोच गया है कि भाई अपने घर की सूखी रोटी खा ले उधार की ना खाओ कोई भी चीज ठीक है

मैं सोच रही हूँ कि बाहर नींबू पानी का ठेला लगा लगाने <laughs> गर्मी है सो सो आते सच में आते हैं हाँ। और आप सबसे मिलते हो हाँ, सब तो क्या क्या करना होता है है उनको मिलके बात करनी होती फोटो है क्या? कोई फोटो कोई फिर एक अदा आपने बेरा ब्लॉग करता है वो कोई, कोई बस दूर दूर से भी आते हैं कई लोग हाँ दूर दूर घर पर सुहाने पड़े हैं मेरे में तो बहुत लेट ना आ जाए मुंबई तक आ गया था क्यों मैं बाहर था वो 10 बजे पहुंचा घर पे तो फिर वो घर पे सो सुवा, सो अरे कोई मुद्दा प्रदेश था तो मतलब दूर दूर था आ जाए बंदे उन्होंने घर में सुला दिया यार। यार। ये सिर्फ गाँव में हो सकता है कि कोई मिलने आया है और आपने घर में सुला दिया ऑफर्स आते हैं अभी कोई ऑफर आ रहे हैं फिल्मों के या पंजाबी फिल्मों के एक्टिंग करो या कोई एक्टिंग या कुछ ऐसा आ रहा है ऑफर ना क्योंकि नाचते हो आपने बोल दिया डीजे पे चढ़ के <laughs> तो मतलब अजय देवगन वाली आपकी थोड़ी पर्सनालिटी है थोड़ा शांत लड़का लेकिन एक्शन वाला तो मिलेगा मौका तो करोगे आपको कोई ऑफर आएगा तो मौका मिलेगा तो जरूर करूंगा है हाँ।

वो अच्छे लगते हैं। हाँ। और कुछ कॉमेडी करते हैं जो लोग उनमें से कौन अच्छे लगते हैं? <laughs> कपिल शर्मा <बुल> <laughs> अच्छी नहीं लगती आपकी देखते हैं बहुत साल रहे आपके घर वाले भी हमें जानते हैं हाँ जाना है मतलब घर दीदी जाना है दोनों मम्मी दोनों देखे ज्यादा टीवी वगैरह हाँ। दीदी जाना दोनों बात भी हुई थी उनको अच्छा ठीक है चलिए हम जरूर आएंगे यार अंकित से बात करके आज बड़ा अच्छा लगा और पहली बार हमने इतना अखरोट वॉटर हाँ वाटर <laughs> एकदम शांत पानी और बॉम्बे अभी कहाँ जाना है घूमने देखेंगे सिद्धिविनायक जाऊंगे में गणेश जी के दर्शन हांजी जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा बहुत लगा। अंकित थैंक यू सो मच हमेशा ऐसे हो ना ऐसे ही रहना, रहना अंकित क्योंकि आप एकदम प्योर हो मिलावट कभी मत करना आप एकदम प्योर हो ऐसे ही रहना आपको बहुत लोग प्यार करते हैं बहुत लोग इंस्पायर हो रहे हैं और बहुत लोग आपको फॉलो कर रहे हैं धन्यवाद गॉड यू जाने से पहले हमारे एल ओ पॉडकास्ट के क्लिप देखने के लिए हमारा एल ओ पॉडकास्ट क्लिप वाला चैनल सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करें भारती टीवी और हाँ एल ओ पॉडकास्ट देखो और कमेंट जरूर करना कि आप किसको देखना चाहते हैं जिसके साथ हम पॉडकास्ट करें